हाय गाइस, जय हनुमान। हमने बहुत सारी बातें आपके जेई एडवांस के एग्जाम से रिलेटेड कर ली हैं, लेकिन अब ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो पेपर वन और पेपर टू के बीच में आपको जो 2.5 आवर का टाइम मिलेगा, उसमें आपको क्या कुछ, हमारे हिसाब से, पर्टिकुलर मेरे हिसाब से अगर बात करूँ, क्या कुछ आपको अपनी प्लानिंग के हिसाब से रखना चाहिए या किस तरीके से उस टाइम को निकालना चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी को पता है कि आपका जेई एडवांस का पेपर जो पेपर वन है, ये सुबह 9 बजे चालू होगा और 12 o'clock तक चलेगा। उसके बाद 2:30 से 5:30 आपका पेपर टू होगा। लेकिन जब आपका पेपर वन हो चुका होगा, पेपर टू आपका हो रहा होगा, जिसके बीच में आपको 2.5 आवर है, उस समय आप किस तरीके से अपने उस टाइम को निकालें, इस बारे में हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों के परफॉर्मेंस पे। और हमने कई बार देखा कि पेपर वन के थोड़े से भी मार्किंग स्कीम अच्छे नहीं आने से, या पेपर वन की थोड़ी सी नेगेटिव बात से पेपर टू को बच्चे बिगाड़ के आते हैं और वो कहते हैं कि सर, अरे पेपर टू तो बिगड़ गया क्योंकि पेपर वन हमारा अच्छा नहीं गया। लेकिन उस समय आपको किस तरीके से अपने दिमाग को बैलेंस रखना है या किस समय आपको उस टाइम को यूज करना है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि पेपर टू पे आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, आप अपने 100% एफर्ट से, अच्छी तरीके से अपने एफर्ट्स को लगा करके सही डायरेक्शन में अपने आउटपुट को एग्जीक्यूट कर पाए। देखिए गाइस, आपका जेई का जो पेपर है एडवांस का, उसमें आप सभी को पता है कि 25 मिनट पहले आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे, क्योंकि आपका सुबह का पेपर जो 9 o'clock है उसके लिए 8:30, दोपहर का पेपर जो आपका 2:30 उसके लिए 2 o'clock, आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आप सभी को 25 मिनट में सही तरीके से रीड आउट करना है, क्योंकि बहुत जरूरी हो, क्योंकि जे एडवांस का पेपर की मार्किंग स्कीम थोड़ी सी अनसर्टेन होती है, और मार्किंग स्कीम को ढंग तरीके से पढ़कर, सिस्टमेटिकली पढ़कर ही हम अपने जे एडवांस के एग्जाम की जो एक स्ट्रैटेजी है उसको स्टार्ट कैसे करना है उसको बना सकते हैं। लेकिन पेपर वन भी हो गया। अब पेपर वन और पेपर टू के बीच के टाइम में मैं सभी को बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि गाइस, प्लीज ऐसा मत करिएगा कि पेपर वन आप दे करके आए और आपको लगे यार ये क्वेश्चन उस समय मुझे डाउट में था, पता नहीं इसका आंसर क्या आया होगा, यार ये क्वेश्चन में पेपर वन के अंदर वैसा करके आ गया, चलो इसको मैं बुक को खोल के देखता हूं कि क्या पता वो मेरा क्वेश्चन सही था या गलत था। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेपर वन और पेपर टू में आपके दिमाग को आपको बिल्कुल काम रखना है, कंफर्टेबल रखना है, पॉजिटिव रखना है और उसको रिलैक्स करना है, ताकि पेपर टू जो वापस आपका 3 घंटे का होने वाला है, आप उसमें सही डायरेक्शन में उस दिमाग को यूज कर पाए, अपने माइंड का 100% आप इनपुट देकर के आउटपुट निकाल पाए। इसलिए पेपर वन के बाद, पेपर देने के बाद आप उसको बिल्कुल भूल जाइए, पेपर वन में आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आपका पेपर वन अच्छा चला गया तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रखिए और पेपर टू में और अच्छी एनर्जी लगाइए। लेकिन अगर आपका पेपर वन थोड़ा सा भी आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर पाए तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके पेपर टू पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि पेपर वन का पेपर टू से कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। यहाँ पीसीएम आएगा, वहां पीसीएम आएगा, इसलिए पेपर टू को आपको नई जोश, नई एनर्जी, नए पॉजिटिव थॉट से आपको अच्छे तरीके से एग्जाम देना चाहिए। इसलिए पेपर वन देने के बाद आप ऐसा मत करिएगा, बाहर आए अपने दोस्तों डिस्कस करें, दो डिस्कस करें, यार पेपर वन ऐसा चला गया, पेपर वन में ये नहीं आया वो नहीं आया, ऐसा आपको नहीं करना है। यानी पेपर वन देने के बाद आपको अपने किसी भी, चाहे वो कितना भी क्लोज फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, उससे पेपर वन का डिस्कशन नहीं करना है उस समय, ताकि आपका दिमाग पेपर टू के एनर्जी को सही तरीके से अपने अंदर ले पाए, पेपर टू के लिए आपके दिमाग को आप सही तरीके से तैयार कर पाए। तो पेपर वन में आप जो दे करके आए, ना तो आपको उससे बुक से चेक करना चाहिए क्या गलती हुई, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ना किसी पेपर वन देने के बाद अपने दोस्त से उस समय पेपर टू को डिस्कस करना, पेपर वन को डिस्कस करना चाहिए। अननेसेसरी के कंफ्यूजन में पेपर वन में आपको नहीं आना चाहिए कि आप ये छोड़ गए, ये आपका मिस हो गया, इस चीज से आपको बचना चाहिए, ताकि आप पेपर टू में अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगा पाए। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बहुत ज्यादा आपसे कहना चाहता हूं कि पेपर वन देने के बाद में पेपर टू के बीच में जो आपको टाइम मिल रहा है, उसमें आप ये कोशिश करिए कि आप एक तो थोड़ी सी अगर नैप ले पाए, आंखों को रेस्ट दे पाए, आइस को रेस्ट दे पाए, दिमाग को रेस्ट दे पाए, 15-20 मिनट के आपको थोड़ी नैप मिल जाए, आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाए, वैसी कोशिश करिएगा। लेकिन सोना नहीं है। जिन बच्चों की दोपहर में सोने की हैबिट है, कई बार बच्चे कहते हैं सर दोपहर में हम तो सोते हैं, हमारे रेगुलर हैबिट है, हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे सेट है, उन बच्चों को कम से कम पेपर से 2 दिन पहले अपने दोपहर के सोने की हैबिट को हटाना होगा, ताकि वो जे एडवांस के पेपर में कंफर्टेबल फील कर पाए। तो जे एडवांस के पेपर में अगर आपको बीच में 2 आवर का टाइम मिल रहा है, इसमें आपको अगर सोने की हैबिट है तो बिल्कुल इसको 2 दिन के अंदर सही करने की कोशिश करिए, ताकि आप जे एडवांस के पेपर टू में अपने आप को कंफर्टेबल रख पाए। आपको फिर कहना चाहेंगे आप 15-20 मिनट की नैप ले सकते हैं, दिमाग को कूल करने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए, आइस को रेस्ट देने के लिए, ये आपके लिए यूजफुल हो सकती है। यहां एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, खाने का आपको बहुत ध्यान रखना है।
फूड का आप सभी को ध्यान रखना है। पेपर वन के बाद आपको पेपर टू के जो बीच में गैप मिल रहा है उसमें कोई भी हैवी फूड आपको नहीं खाना चाहिए। आप कंफर्टेबल फूड खाइए, थोड़ा हेल्दी फूड खाइए, थोड़ा जूस वगैरह ले लीजिए जिससे आपकी बॉडी मेंटेन रहे, आपका हाइजीन सिस्टम मेंटेन रहे, आपका बॉडी का थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि लिक्विड अंदर जाता है तो थोड़ा बायोलॉजिकल समझते हैं कि थोड़ा अच्छा रहता है। तो हैवी फूड नहीं खाना है, लाइट फूड आप खाइए। लाइट फूड खाने से आपका बॉडी चार्ज भी रहेगा, आपको लथार्जीपन, आपको आलसपन फील नहीं होगा, आपको लेजीपन पेपर टू के एग्जाम में फील नहीं होगा। इसलिए पेपर वन के बाद आप आराम से दिमाग को कूल रखने के लिए, कंफर्टेबल रखने के लिए, बॉडी को ठीक रखने के लिए अच्छा फूड खाइए, जो फूड आपको थोड़ी सी एनर्जी दे, आपको थोड़े दिमाग में एनर्जी दे, आपकी बॉडी को थोड़ा सा वो ताकत दे, कैपेसिटी दे, स्ट्रेंथ दे, ऐसा फूड आप खाने की प्लानिंग करके रखिएगा। इसलिए फूड आपको हैवी फूड से बचना है ताकि आप पेपर टू में कहीं लेजीपन में ना जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, बारिश के हालात हैं बहुत सारी जगह पे, हमारे पास अभी ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि यहाँ पर पानी बहुत भरा हुआ है, यहाँ पर बीच में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं बारिश के हालात में खासकर उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिनका अपना जो उनका एग्ज़ाम का सेंटर आया है, वो जहाँ भी स्टे कर रहे हैं उसकी उस लोकेलिटी, चाहे वो होटल हो, चाहे वो उनका पर्टिकुलर कोई रेजिडेंसी हो, अगर उनका सेंटर जो है अपनी पर्टिकुलर स्टे वाली जगह से बहुत ज़्यादा दूर है, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो उनको आने जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका 12 बजे पेपर ख़त्म होगा, आपको 2 o'clock आपकी सेकंड पेपर के लिए सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो जिनका बहुत ज़्यादा स्टे दूर है अपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम सेंटर से, उनको यही सलाह देंगे कि वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें, या तो मिड में कोई अरेंजमेंट कर लें या सेंटर पर कोई ऐसा अरेंजमेंट कर लें जिससे आने जाने की उनकी एग्जर्शन बच जाए। क्योंकि अगर वो जाएंगे 15 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, फिर वापस आएंगे तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनको रश रहेगा और वो अनकम्फर्टेबल भी रहेंगे। हाँ, जिनका स्टे जो है अपने पर्टिकुलर सेंटर से, होटल हो या जहाँ वो रह रहे हैं, अगर वो बहुत नज़दीक है तो वो आने जाने के अरेंजमेंट को कर सकते हैं। वहाँ जाकर के आराम से फूड वगैरह लेकर के 10-15 मिनट की नैप लेकर के वापस से सेंटर पे आ सकते हैं, उनके लिए वो कंफर्टेबल है। लेकिन वो बच्चे जिनका स्टे रेजिडेंशियल होटल अपने पर्टिकुलर सेंटर से काफ़ी दूर है, उनको यही सजेशन देना चाहेंगे कि वो पर्टिकुलर या तो सेंटर पे ही कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट कर लें हेल्दी, या फिर वो कोई बीच का जहाँ उनके पास में कोई स्टे का अरेंजमेंट बैठ सकता है, थोड़ी देर रुकने का अरेंजमेंट बैठ सकता है, वहाँ वो अरेंज करके रखें ताकि वो पेपर वन पेपर टू के बीच में केवल जो इतना कम टाइम मिल रहा है उसमें वो सिस्टमेटिकली अपने आप को मैनेज करने में, अपने आप को बैलेंस करने में उस टाइम को निकालें, ना कि वो आने जाने के एग्जर्शन से बहुत फास्ट में हरीनेस से अपने पेपर टू के लिए कहीं वो देर हो जाए, भागम भागी हो, रशनेस हो, उससे उनको बचना चाहिए। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा, अगर आपका स्टे आपके सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर है तो आप सेंटर पे या बीच के किसी रास्ते में अरेंजमेंट करिए खाने पीने का और अपने पर्टिकुलरली स्टे करने का, थोड़ी नैप लेने का। अगर आपका सेंटर काफ़ी नज़दीक है आपके रेजिडेंशियल स्पेस से, रेजिडेंशियल प्लेस से, तो आप आने जाने के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव होकर चलिएगा। चलिए गाइस, लास्ट में मुझे यही आपसे कहना था, ये सारी बातें मेरी कवर हो गई हैं। तो पेपर वन पेपर टू के टाइम को अगर आप इस तरीके से सिस्टमेटिकली यूज़ करते हैं, अपने आप को कूल, कंफर्टेबल, काम रखते हुए पेपर वन और पेपर टू को सही तरीके से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके एग्जाम देते हैं, तो आपका आउटपुट अच्छा आने वाला है। तो अपने दोस्तों से थोड़ा सा बचना है पेपर वन पेपर टू के बीच में डिस्कशन से बचना है, थोड़ा दिमाग को रेस्ट रखना है, हैवी फूड से बचना है, और उस टाइम को सही तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी बॉडी को एनर्जाइज करने में यूज़ करना है। बस इतना सा आप ध्यान रखिए, बाकी आप पढ़ाई बहुत अच्छे कर रहे हैं। आप सभी को आपके जेई एडवांस एग्जाम के लिए दिल से ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए, एफर्ट्स लगाते रहिए, हम आपके साथ आपके कॉलेज एडमिशन तक बने रहेंगे। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।